नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 595वां एपिसोड। आज 12 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल क्रिकेट जगत को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी खबरें आई हैं, स्पेशली आज आरसीबी के मैच के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई है वो सब कुछ कह लेना कि सब कुछ बदलने वाली है। तो एंड तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले देते हैं, तो लाइक और शेयर तो आप करते ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट मुंबई में आईपीएल मैचों के खिलाफ आई है। दरअसल दोस्तों, मुंबई में कोरोना के एक्सई वेरियंट का सेकेंड केस, सेकेंड पेशेंट मिल चुका है और उसके बाद से ही मुंबई में हड़कंप है। हो सकता है आगे अगर एक्सी जो नया वेरिएंट आया कोरोना के, इसके केसेस बढ़ते हैं तो आईपीएल पर फिर से काला साया बंबई में हमें देखने को मिलेगा। क्या पूरी रिपोर्ट है ये हमें आगे दिन आने वाले दिनों में और क्लियर हो जाएगी, बट अभी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट सीएसके और आरसीबी के मैच के हवाले से आ रही है। तो भैया आज ये मैच होने वाला है, काफी बड़ा मैच है। इस मैच का पूरा प्रीव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो जरूर देखेगा। लेकिन भैया ये जो चेन्नई और बंगलोर का मैच है, इसके अपनी टीम माई पर जरूर बनाया जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है क्योंकि मेरी टीम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीचे वाले लिंक खोलेंगे और MCP2022 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 1500 फ्री में 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप बीबीएस की टीम को हरा देते हैं तो जीता हुआ उनका 5 गुना कैश मिलेगा। 100 रुपए लगाएंगे सीधे 500 रुपए कमाएंगे, 1500 फ्री में मिल ही रहा है। हर रोज 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है ही और मेरी टीम तो लगभग हर रोज क्लीन स्वीप कर रही है। तो देर मत करना भैया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट रवि शास्त्री के हवाले से आई है। रवि शास्त्री ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होने वाले कप्तान 5-2 प्लस इस पर बड़ी बात की। दरअसल दोस्तों, रवि शास्त्री, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझिए, रवि शास्त्री ने कहा है रिलीज ऑफ द प्लेसेस इज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर सीएसके दिस ईयर। दरअसल दोस्तों, रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि प्लेसेस को सीएसके का होने वाला कप्तान होना चाहिए था, लेकिन चेन्नई ने उन्हें रिलीज कर अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। शास्त्री ने यह भी कहा कि मान लो आप उसको कप्तान नहीं बनाते पर कम से कम आप उसको टीम से तो ना निकालते, लेकिन चेन्नई ने ना सिर्फ प्लेसेस को टीम से निकाल दिया, उन्हें कप्तान तो बनाना दूर की बात थी और उसका फल शायद सीएसके भुगत रही है। ये कहना रवि शास्त्री का है, बट इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट जेसन बहरनरॉफ और जॉस हेजलवुड के हवाले से आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ये दोनों ही खिलाड़ी उपलब्ध रहने वाले हैं। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से आए, तो लगातार इनका क्वारंटाइन चल रहा था, वो क्वारंटाइन हो गया है खत्म और भैया ये आज के मैच में खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अब तक की सबसे बेस्ट न्यूज आरसीबी के फैंस के लिए है। अगर आप भी आरसीबी के फैंस हैं तो कमेंट बॉक्स पर इस खबर पर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट माइक हसी के हवाले से आ रही है। माइक हसी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा Everyone at CSK backing Jaddu despite a string of losses. माइक हसी जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इस समय जरूर लगातार जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जरूर हार रही है, इनके कप्तान रविंद्र जडेजा है, लेकिन पूरी टीम रविंद्र जडेजा को इस समय पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। तो देखते हैं भाई माइक हसी का ये जो बयान है, ये जो इन्होंने कहा है माइक हसी ने, ये कितना हमें फील्ड पर नजर आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो रविचंद्रन अश्विन के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है। दरअसल दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही नहीं है, बड़ी बात करी है। रविचंद्रन अश्विन रिटायर्ड हर्ट नहीं रिटायर्ड आउट हो गए थे। ये था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच और इस मैच में रिटायर्ड आउट होने के बाद आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। 2 दिन पहले मैच हुआ था जिसमें कोई पहला खिलाड़ी बना है जो कि रिटायर्ड आउट हुआ है। बड़ी चीज दोस्तों आपको मैं एक और बता दूं कि रविचंद्रन अश्विन ही वो आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने मैनकंड आउट किया था जॉस बटलर का 2-3 साल पहले 2018 के दौर में। तो भाई रविचंद्रन अश्विन के नाम ऐसे कई अजीब सा रिकॉर्ड जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर रहे हैं और इनकी स्पिन गेंदबाजी पर तो मुझे नहीं लगता किसी को भी सवाल है। चलिए दोस्तों, सातवीं बड़ी न्यूज की बात करते हैं, खबर की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आरसीबी के हवाले से आ रही है। आज आरसीबी और चेन्नई की टीम एक दूसरे के आमने सामने होगी और
अगर भैया आज आरसीबी जीत जाती है ना तो टेबल पर भौकाल मच जाएगा, टेबल पर हाहाकार मच जाएगा, बिकॉज आरसीबी की जीत के साथ तीन टीमें बहुत भारी नुकसान में हो जाएगी पॉइंट्स टेबल पर। पूरा गणित समझाता हूँ, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल भी देख पा रहे होंगे। आरसीबी नंबर तीन पर चल रही है, आरसीबी ने चार मैचेस खेले हैं, तीन जीते हैं एक हारा है, प्लस 0.2 का नेट रन रेट है और 6 पॉइंट आरसीबी के चल रहे हैं। अगर आज आरसीबी मान लीजिए बहुत छोटे मार्जिन से ही चेन्नई को हरा देती है तो आरसीबी की टीम टेबल को टॉप कर जाएगी और आरसीबी 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की सिरमौर बन जाएगी। यही नहीं दोस्तों, आरसीबी के जब पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ेगी तो तीन टीमें नुकसान खा जाएंगी। पहली टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 9 पर चल रही है, मुंबई का अभी तक खाता भी नहीं खुला है और ऐसी स्थिति में अगर आरसीबी जैसी टीमें ऊपरी टीमें मजबूत होती हैं तो निचली टीमों को एंट्री लेना, प्लेऑफ में एंट्री लेना कठिन होता जाएगा। इस समय मुंबई इंडियंस जैसी टीम का सिर्फ यही ध्यान है कि पॉइंट्स टेबल पर ऊपर मौजूद मजबूत टीमें लगातार मैचेस हारे, लेकिन मुंबई की टीम बहुत घाटे में हो जाएगी क्योंकि फिर इससे मुंबई इंडियंस की टीम, दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, इन दोनों की ही एंट्री प्लेऑफ में कठिन होगी। तीसरी टीम जिसका घाटा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस पूरे मसले के कारण, गुजरात टाइटंस की टीम है। गुजरात टाइटंस की टीम अपना पिछला मैच हार चुकी है, वैसे ही नंबर 5 पर है और यहां से गुजरात टाइटंस की प्लेऑफ की जो दौड़ है वो धीरे 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 कमजोर ना हो जाए ये डर गुजरात को लगेगा अगर आरसीबी मजबूत होती है। अगर केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ मजबूत होती है तो गुजरात जो कि बड़ी कंटेंडर है वो भी घाटे में रहेगी। तो ये था गणित तीन टीमों के नाम, बाकी आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ऋषभ पंत ने केकेआर के खिलाफ जीत के बाद कुलदीप यादव पर बड़ी बात कही, तंज कसा ऋषभ पंत ने। कुलदीप हैज बीन वर्किंग फॉर 1 year बट हैवंट गेटिंग चांसेस, वी आर ब्रेकिंग हिम हेयर फुली। कुलदीप यादव पिछले 1.5 साल से लगातार बहुत मेहनत कर रहे थे बट उसके बावजूद भी उन्हें केकेआर की टीम तो जगह दे नहीं रही थी, हमने उन्हें जगह दी और उन्होंने इतना खतरनाक प्रदर्शन कर दिया। ये कहना है ऋषभ पंत का जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है। आपको बता दूं कि कलकत्ते के खिलाफ मैच में दिल्ली की तरफ से खेल रहे कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया था और इस प्रदर्शन के बाद केकेआर वालों के मुंह मुरझा गए थे। बट ये बयान आने से ऋषभ पंत की बात तो जरूर झलकती है कि खिलाड़ियों को मौका देना ये कप्तान जानता है और इसीलिए भविष्य के कप्तान के रूप में पंत को देखा भी जाता है। आगे बढ़ता है दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो पृथ्वी शॉ खेलेंगे भारत के लिए 100 टेस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह का फॉर्म और जिस तरह की क्लास इस समय पृथ्वी शॉ अडॉप्ट कर चुके हैं वो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन जाए, इसमें किसी को कोई दोराय नहीं होगी और इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की। तो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के मैच के हवाले से रिपोर्ट प्रिडिक्शन हमने की थी, स्कोर कार्ड आप देख पा रहे होंगे। बताइएगा दोस्तों जरूर कि कितने सटीक हम बैठे। ये थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबरें। माई 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दी है क्योंकि जो चीजें आपको माई 11 पर मिल रही वो कोई दे नहीं रहा है। एमसीपी 2022 कोड का इस्तेमाल कर लेना, बाकी सब कुछ ऑलरेडी खुल जा सिम से हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।